वालेकुम कैसे आप सब, उम्मीद करता कि आप सब ठीक होंगे। चलो आज का बहुत अच्छी तो करते हैं। और पिछले ब्लॉग में मैं नहीं था क्योंकि मेरा पाँव दुखा था, अभी भी थोड़ा सूजा हुआ है, लेकिन बस बना सकते हम लोग। और आज हम आज भी ईद है, कल भी ईद नहमत करूँ तो आज, लेकिन अभी हम लोग गए हैं हमारे घर में आज दावत। तो चलो आज ब्लॉग शुरू कर दें। तो अभी मेरे पापा का मैं ऐसे माइक से भी ले सकते हैं, और अध्ययन है ना, मैं पहले जूते पहनता हूँ चलो, लेकिन ठीक है। ये देखिए हमारा लक्का कबूतर, ये देखिए। और दोस्तों अभी मैंने जूते पहन लिए और अब ऊपर जा, तो ऊपर जाकर आपसे मिलता हूँ। हो रहे ऊपर, देखो भाई साहब, देखो भाई क्या चीज है ये जूम। तो दोस्तों आपको जाता हूँ मैं छत तक, तीन आ ही गए छत तक। और ये कितने चले पड़ जाते हैं, आ गया। आए, आए, आए। ये देखे दोस्तों कितना बड़े हो गए माशाल्लाह, बगीरा पे जा रहे हैं। ये रहा देखे कितने प्यारे हैं, वो फुल वाइट है यार। ये क्या चक्कर, ये वाला देखा फुल वाइट है, एक डॉट कम नहीं है। और दोस्तों आपको पता है हम हीरा एक मुर्गा ले रहे थे, तो जो है ना जिनके पास था और उधर भी उन उस मुर्गे को भी वही बीमारी हो गई है, तो इसलिए वो भी बीमार है, इसलिए हम वो अब नहीं ले रहे। और देखेंगे दोस्तों मैं आपको बताया था ना हम हीरा मुर्गा ले रहे थे तो वो बीमार हो गया। तो क्या पता मैं आपस से पूछूंगा मर गया कल सही है, अभी क्या अगर वो ठीक हो गया तो फिर हम आएंगे। और इसको क्या पता इस मुर्गे को हम कर दें। तो अभी मैं आपको एक मुर्गी और एक चूजा दिखाई, तो अभी मुर्गी और ये चूजा, नहीं ये बिल्कुल वाले नहीं नहीं थोड़ा बड़ा पकड़ तो फिर मिलता हूँ दोस्तों। ये थोड़ा सा लग गया और सारा वाइट है। चलो जा जा अच्छा बाहर जाते हैं, यहाँ बहुत गंदा। तो हमारे कबूतर ने अंडे भी दिए हैं, तो थोड़ी देर में उससे भी बच्चे निकल जाएंगे, देखते हैं क्या पता निकले क्या पता ना निकले। मैं बस खाने का टाइम आ सकते।